करबाबा हैं तेजस्विना बधीतमस्तो मावि द्वेशा बाहैं ओम शांते 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 सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हाद स्वागत मित्रों संस्कृत साहित्य साहित्यभ्यास पंचतंत्र की कक्षा संख्या तीन को आज पढ़ेंगे कक्षा संख्या तीन तृतीय त्रतिया कक्षा तृतीया कक्षा पठिस ये कक्षा संस्कृत के सभी पाठकों के लिए अति उपयोगी है अति उपयोगी है बहुत उपयोगी ठीक है चलिएगा तो आगे चलते हैं गत कक्षा में मैंने आपको कुछ व्याकरण इसका बताया था और यहां तक बता दिया था दूसरे श्लोक तक यहां तक हो गया था हमारा यहां तक मैंने व्याकरण की चर्चा पूरी कर दी थी आज की कक्षा और पूरी व्याकरण की ही होगी ठीक है चलिएगा आरंभ करते हैं यहां पर शब्द आया था सकलार्थ शास्त्र सारम ठीक है सकलार्थ शास्त्र सारम तो इसका समास क्या करेंगे यहां पहले ये करेंगे अर्थस्य शास्त्राणी अर्थशास्त्राणी अर्थ अर्थ का अर्थ है यहां पर नीति तो अर्थस्य शास्त्राणी अर्थशास्त्राणी मैं नीति के शास्त्र और फिर षष्ठी तत्पुर समास हो गए फिर सकल के साथ करेंगे सकलानी ची अर्थशास्त्राणी सकला, सकलार्थशास्त्राणी सकल के साथ में क्या हो जाएगा अर्थशास्त्राणी का कर्मधारा तत्पुर समास हो जाएगा विशेषण विशेषण बहुलम से फिर शकलार्थ शास्त्राणाम सार क्या सकलार्थशास्त्राणाम शास्त्र सारह तम सारम ये द्वितीय का है ठीक है द्वितीय व्यक्ति एक वचन अंत करी तत्पुरुष समास हो गया तो इसका अर्थ क्या निकला है संपूर्ण नीति शास्त्रों के सार को समास मैंने बता दिया आपको ठीक है जगति ये क्या है जगत शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन अंत में तकार अंत इसलिए जगति समालोक्य ये क्या है कत्वा का है तम पूर्वक आंग पूर्वक लोक लो, लोक्री दर, लोक धातु से लोक से और कत्वा समान कर्त का पूर्व काल से कत्वा आ जाएगा और समास से नहीं पूर्व कत्व कत्व से लप हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा समालोक के ऐसा बन जाएगा अव्यय है कृतवा तो सुन सुना से इसकी अव्य संज्ञा है अव्य आप सुपर से स्वाद सु आदि आते हैं उसका लुक हो जाता है तो समालोक के माने देख करके अच्छी प्रकार से विचार करके इसका भी व्याकरण बता दिया मैंने विष्णु शर्मे दम तो विष्णु शर्मा नाम है और इदम है आगे तो विष्णु शर्मा और इदम क्या हो जाएगा आद गुणा हलक करके ये हो जाएगा तो विष्णु शर्मेदम हो जाएगा हुँ? क्या विष्णु शर्मेदम एदम सकलार्थ शास्त्र सारम एदम ये क्या है तृतीय व्यक्ति एक वचना पुल्लिंग में ठीक है तो यहाँ पर संधि हो गई आपकी आद गुणा ठीक है विष्णु शर्मा तंत्र ही ये तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है ठीक है पंचभि भी, ये भी तृतीय व्यक्ति पंचभिर विसर्ग तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आगे ये आ रहा है ए तत् तो पंचभिर तंत्री ही ठीक है और ये ये भी तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है ठीक है इसमें कोई विशेष व्याकरण नहीं है और एक चकारा ए तत्त ये क्या है नपुंसकलिंग का है एतत का व्यक्ति का 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 क्या है विष्णु शर्मा ने क्या है बनाया चकार माने किया तो यह जो चकार है यह क्या है लिट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में भी बनता है और उत्तम पुरुष के एक वचन में भी बनता तो यहां पर क्या है यहां पर चकार विष्णु शर्मा मान विष्णु शर्मा नामक विद्वान ने यदि ये बात किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखी है माने भूमिका के रूप में उपोधात के रूप में तो तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा और ये विष्णु शर्मा स्वयं कह रहे हैं कि विष्णु शर्मा मुझने लिखा है तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का हो जाएगा तो चकार वहां बनता है क्री धातु का है इतना ही काफी है पूरी सिद्धियां कराने की आवश्यकता नहीं है ठीक है चकार कहाँ का है ये क्री धातु का लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का अथवा उत्तम पुरुष एक वचन का ठीक है दोनों प्रकार से मैंने बता दिया सुमनोहरम ठीक है सुमनोहरम तो सुमनोहरम में क्या है सुष्टु मनोहरम सुमनोहरम शास्त्रम का विशेषण है ये ठीक है तो मनोहर बनता है हरती इति मनोहर या मनोहरम तो यहां पर तो क्या समाज सुष्ठु माने सुष्ठु मनोहरम सुमनोहरम या सुष्ठु तया मनोहरम तो कुगति प्रादय से इसमें प्रादि समास हो गया और कुछ नहीं है ठीक है शास्त्र में तो है ही प्रथमा द्वितीय व्यक्ति एक वो जानते आगे व्याकरण है इसमें हमारा तद यथा तद यथा अलग अलग है यथा अव्यय तद तद क्या है तद माने वह जिस प्रकार से तद तो सर्वनामी है यथा अव्यय पद है ठीक है अनुशूयते अनुशूयते में क्या अनुपूर्वक शुधातु से शुधातु से का आ, भाववाच्य में या कर्मवाच्य में ठीक है यानी तद यथा शूयते जैसा सुना जाता है जैसा कि सुना जाता है तो यहाँ पर हम ये ये तद तदमन वह जैसा सुना जाता है तो ये कर्मवाच्य में ले आएंगे अनुशूयते तो ये क्या है कर्म वाच्य में भी आ सकता है और यहाँ पर कोई यदि कहे तो भाववाच्य भाववाच्य में भी, भी लगा सकते हैं संबंध ठीक है सुना जाता है? मात्र सुना जाता है कर्म की भी व्यवक्षा ही नहीं बस सुना जाता है और जब कर्म की व्यवक्षा कर लेंगे यहाँ पर ये तद तद यथा मत जिस प्रकार से वह सुना जाता है तो ये कर्मवाच्य में हो जाएगा तो अनुपूर्वक शु धातु से कर्म वाच्य में क्या हो जाएगा भाव कर्मणों से तो आत्मनिपत हो जाएगा ठीक है सा और सार धातु के एक से एक होता है कर्म और भाव में यक आ गया है प्रथम पुरुष एक वचन का है ठीक है और शुरू है इसको ठीक है तो इसको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा क्या इसको दीर्घ हो जाता है यकार आदि प्रत्यय के परे रहते मैं सूत्र भी आपको बता देता हूं ये यहां पर अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घा सातवें अध्याय के चौथे पाद का पच्चीसवा सूत्र है अकृत सारधातु दीर्घ दीर्घा क्या हो गया है इसे श्रुदी ह्रस्व था इसको क्या है अकृत भिन्न अकृत सारधातु सार अकृत सारधातु क्योर दीर्घ ये एक मिनट लीजिएगा पूरा एक बार वहां अनुवृत्ति किसकी आ रही है यह है माने कृत से भिन्न और सारदातुक से भिन्न होता कि उसको दीर्घ होता है तो ये क्या है यह ना तो सारदातुक है ना कृत है और यकारादि है और ये कित है इसलिए इसके पहले इस अजंत अंग को दीर्घ हो गया वो हो गया श्रु ठीक है जी क्या हो गया दीर्घ हो गया दिख रहा होगा खूब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको तो ये हो गया आपका ठीक है टेरे से इसमें एक तो हो जाता है ठीक है ये हो गया अस्ति अस्तातु का ही है लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का ठीक है दाक्षिणा तो दक्षिण ये क्या है दक्षिण शब्द से त्यक प्रत्यय होता है हमने ये इसमें आपको चौथे अध्याय में पढ़ाया है माने भव अर्थ में भव अर्थ में क्या होता है दक्षिणा पश्चात पुरुष त्यक त्यक प्रत्यय होता है सूत्र भी आपको बता देते हैं ठीक है ये देखिएगा ये वाला है ठीक है चौथे अध्याय के द्वितीय पाद का नाइन्टी सेवन सूत्र है दक्षिणा पश्चात पुरुषस्त्यक ठीक है तो यहां पर क्या है दक्षिणा शब्द से त्यक प्रत्यय होता है दक्षिण में दक्षिण दिशा दक्षिण दिशा में होने वाला जो होता है तत्व के अर्थ में यहां त्यक प्रत्यय हुआ ये ठीक है, है? दक्षिणा से त्यक होने से क्या हो जाता है कित कित है तो किति से आदि आदि एच को वृद्धि हो दाक्षिणात्य ऐसे बनता है ये समझ गए होंगे आप दक्षिण शब्द है ऐसा दक्षिणा का अर्थ वो दान दक्षिणा वाला नहीं है दक्षिण दिशा है दक्षिण और या त्यक प्रत्यय हो जाता है इससे भावार्थ में आदि को वृद्धि हो जाए दक्षिणा और त्या दाक्षिणात्य तकित संज्ञा नहीं होती ठीक है तक ही नहीं होगी तो दाक्षिणात्य और सप्तमी दाक्षिणात्य अब, अब दक्षिण को कहने वाला ही जनपद को कह रहा है तो ये सप्तमी व्यक्ति एक वचना है ये भी जनपद में सप्तमी व्यक्ति एक वचना है महिला रोप्यम नाम नगरम ये तो सामान्य है प्रथमा व्यक्ति एक वचना है ठीक है तत्र तत्र माने इस महिला रोप्य नगर में तस्मिन इति तत्र तो ये अव्यय है सकलार्थी कल्प द्रुम ठीक है सकलार्थी माने सभी याचकों का तो सकलाश्च ते अर्थिन सकलार्थिन पहले तो ये कर लेंगे विशेषण विशेषण बौलम से इसमें कर्मधारा समास हो जाएगा ठीक है तो सकलार्थिन फिर सकलार्थी नाम कल्प द्रुव इवे सकलार्थी नाम ऐसा सभी याचकों का कल्प द्रुव के समान नहीं। नाम कल्प द्रुम इवा सकलार्थ कल्प द्रुम ठीक है तो ये हो जाएगा इसमें समास इवार्थ में तत्पुरुष समास हो जाएगा ठीक है तो सभी याचकों के लिए याचकों का कल्प द्रुम के समान है वो ठीक है इव अर्थ में समास हो गया प्रबर मुकट मरीच मंजरी चरचित चरण युगला ये बड़ा समास है इसमें थोड़ी भी कर लेते हैं ठीक है जितना समझ में आया उतना समझ लीजिएगा ले प्रबर प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ तो ऐसे प्रबराणाम मुकटानी मुकट माने ये मुकटानी प्रवर मुकटानी ठीक है श्रेष्ठ लोगों के मुकट ष्ठी तत्पुर समाज होगा फिर प्रबर प्रबर मुकटा नाम मणय प्रबर उन मुकटों में लगी हुई जो मणिया मुकटों की जो मणिया फिर प्रबर मुकट मणय ये भी ष्ठी तत्पुर समाज हो गया फिर प्रबर मुकट मणि नाम मरीचय उन श्रेष्ठ राजाओं के मुकट की मणियों की किरणे फिर षष्ठी तत्पुर समास हो गया प्रबर मणि मरीचया ठीक है फिर ठीक है अब क्या है प्रबर मुकट मणि मरीचया एव व मंजरी ये जो किरणे वो क्या है मंजरी है बौर के समान है मंजरी ठीक है प्रबर मणि मरीच मंजरय ठीक है, आ, वो है होगा मंजर तो तो ये क्या हो जाएगा ये फिर हमारा हो जाएगा विशेषण विशेषण वही क्या प्रबर मरीची मा, है और वही मंजरी है के मंजरी रूप तो यहां पर हो गया समान अधिकांत पुरुष समास विशेषण विशेषण बहलोम से फिर प्रवर मुकट मणिमरीचिमंजरी चरचित चरणयुगल यस ठीक है यहां प्रवर मुकटमणिमरीचिमंजरी चरचित चरणयुगल माने उन मंजरियों किरणों से चर्चित माने पूजित चर्चितम पूजित चरण युगलम चरणों का पैरों का जोड़ा है जिसका जिस राजा का तो वो राजा क्या कहलाएगा चरित चरण वो प्रवर मुकटम मणि मरीच मंजरी चर्चित चरण युगलह ये हो गया अंत में बहुवरी समास कई समास हैं आपको कुछ तो समझ में आया होगा बाकी प्रैक्टिस से चीजें आती है ठीक आइएगा अब ये हो गया मैंने ये भी कर दिया कला पारंगता हा। तो अब देखिए तो सकल कला तो सकलाश्चलाश ताकल कला क्या हो गया विशेषण विशेषण बौलम से समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो गया ठीक है और फिर सकल कलासुपारंग सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया पहला समानधिकरण तत्पुर सकल कला में और फिर उसमें फिर बाद में सकल कलाओं में पारंगत जो राजा उसको कह रहे हैं तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया फिर आगे पर पारंगता अमर शक्ति नाम तो अमर शक्ति तो यहाँ पर संधि हो गई है क्या है ये पारंगता पारंगत पारंग तो वो लगे सो सो रू रू का रेप है हश और फिर अतो रो रपुलता दपुलते से क्या आ रहा आगे तो रू के रेप को ऊ हो गया आधगुणा से ओ हो गया एगा पदान्त से पू रूप हो गया और अब अग्र लगा दिया अमर शक्ति ये तो नाम ही है ठीक है तो इसमें कोई समास ऐसा नहीं करेंगे नाम नाम ये नाम तो अव्य ही है राजा ये प्रथमा व्यक्ति एक अंत है राजन का राजा बनता है ठीक है बू ब ये क्या भू धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है बुवन हुआ परोक्ष काल में परोक्ष में परोक्ष लिट तस्या, ये शब्द का पुल्लिंग में ष्टी व्यक्ति एक अंत है पुत्रा प्रथमा व्यक्ति बहुवचना है परम दुर्मेधस तो परम दुर्मेध हा इसमें क्या है तो इसमें पहले क्या है इसका समास होगा दुर्मेध स का इसमें क्या होता है दुष्टा मेधा ये दुष्टा मेधा एशाम ते दुर्मेधस तो यहां पर क्या होता है मेधा शब्द है ये वास्तव में क्या है मेधा तो मेधा को क्या है एक पांचवे अध्याय के द्वितीय पाद में एक सूत्र है आ, हमारा नित्य मसिच प्रजा मेधयो हो ठीक है नित्य मसिच माने असिच प्रत्यय हो जाता है इससे यहां क्या है मेधा शब्द से असिच प्रत्यय होकर के सकारांत बन जाता है मेधस तो दुष्टा मेधा ये शाम ते दुर्मेधसा क्या है? ये समास कौन सा हो गया कुगति ठीक बहुबरी क्या हो गया बहुबरी समास हो गया इसमें बावे अब दुर्मेधस बहुवचन का है ठीक है यहाँ पर क्या है ये दुर है वास्तव में दुर दुर को हम जब विग्रह करेंगे तो दुष्टा मेधा करेंगे और यहाँ पर क्या है को असिच हो जाता है इसको क्या हो जाता है असिच आ को असिच हो जाता है असिच का क्या बचता है अस बचता है अस में जुड़ जाता है तो दुर्मेधस और बहुवचन बहुत सारे दुर्मेधस ऐसा बनता है फिर ये तो हो गया तत्पुरुष बौरी समाज फिर परमाश्च ते दुष्ट दुर्मेधस परमा दुर्मेधस फिर द्वारा समान अधिकरण तत्पुर समाज कर दिया सन महत् परमह पर इत्यादि सूत्र से क्या हो जाएगा वो समानाधिकरण तत्पुर समास हो जाएगा ठीक है यह सूत्र है हमारा दूसरे आ, अध्याय के प्रथम पाद का कामोत्तमोत्कृष्टाह पूज्य माने ठीक है ठीके? तो यहां पर परम शब्द का समास हो गया तो यह तत्पुर समास हो गया बहुशक्ति अलग अलग ये तो बहुशक्ति उग्र शक्ति ही और अनंत शक्तिश्च यहां पर तो स को क्या हो गया स्तोषण से शुद्ध हो गया है ठीक है शुद्ध कैसे पहले तो इसको रा हो गया स सो रू से रू हो गया रू खरवचा फिर खरवसान और विसर्जन विसर्ग हो गया विसर्जन सह से सा हुआ स को स्तोषण से श हो गया ठीक है यहाँ पर रई रहेगा यहाँ पर विसर्ग होगा ही नहीं क्योंकि यहां पर आ रहा है अलग अलग करेंगे बहुशक्ति उग्र शक्ति ही और अनंत शक्ति ही च इति मना गुण लग गया यहाँ पर नामानो ठीक है ये नाम वाले ठीक है तो नामान ये पुलिंग में चला दिया रूपन का अच्छा ये हो गया हमारा हम्म चलिएगा तो इति 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 नामानो इसमें वास्तव में क्या कर दिया है इति इति का और नाम का समास कर दिया ये समझ लीजिएगा थोड़ा समझ में आ जाए आपको तो इति इति माने बाहुशक्ति उग्र शक्ति अनंत शक्ति ही नामानी एसाम ते इति नामाना वास्तव में इसमें क्या हो गया बहुव्रीहि समास हुआ है अनेकमने पदार्थ है जो इति शब्द है वो इति किसका इशारा कर रहा है इन तीनों को ले रहा है ये तीनों नाम हैं जिनके उनको तो ये इसलिए ना नाम और बहुवचन में इसका पुल्लिंग है इसलिए ना, इति नामा इति नामानाव इति नामाना, नामाना।, नामाना। यहां पर उपदा को दीर्घ हो जाता सर्वनाम स्थने च समुद्धो ये क्या है बाबू बहु यह क्या आपका लिट लकार का आतु का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है बबू बाबू बतुह बहु ठीक है इतना ही अभी इसकी सिद्धि कभी आगे चल के बाद न करेंगे अभी थोड़ा इतना ही व्याकरण है तो एकदम पूरा व्याकरण कर देंगे तो बड़ी परेशानी आएगी ठीक है चलिएगा ये हो गया हमारा इतना व्याकरण इसका और आगे आ जाइएगा अर्था ये राजा शास्त्र व्यक्ति आलोक्य तो यहाँ क्या वास्तव में ये तान है ध्यान देंगे ये तान है और इधर क्या है शास्त्र विमुखान तो ये है शा। है यहां पर पहले क्या हो जाएगा छोटी छोटी से क्या हो जाएगा श को छ होगा श को क्या हो जाएगा जी छा बन जाएगा शाह को छ हो जाएगा शोटी सूत्रकार पढ़ ली शश छोटी से क्या हो गया इसको छ हो गया और फिर ये जो ना है इसको स्तोष इस से क्या हो जाएगा या हो जाएगा छास्त्र विमुखान अब छास्त्र विमुखान तो इसमें क्या है पहले इसका समाज करेंगे इसका बिमुखा, बिमुख बनाएंगे तो बिमुखा का आता विपरीतम माने विपरीतम गतम मुखम यस्य विमुख विपरीत माने उल्टा मोह हो गया जिसका उल्टा मोह माने जिधर होना चाहिए जिधर चलना चाहिए जिस दिशा में चलना चाहिए उधर से विपरीत हो गया ठीक है विमुख शब्द हमने बना लिया इसको बहुवचन में भी बना सकते हैं मुखानी, ये शाम विमुखा ठीक है ये हो गया बाबुरी समास बाबरी समास हो गया अब कैश अब क्या है शास्त्रेभ्यः विमुखाः शास्त्रों से विमुखा फिर पंचमी तत्पुरुष समास हो गया शास्त्रेभ्या विमुखा शास्त्र विमुखा तो ये हो गया हमारा पंचमी तत्पुरुष शास्त्रों से फिर तान शास्त्र विमुखान उनको ये आगे आ रहा है इसका कर्म है आलोक के आंग पूर्वक लोक धातु से वो तत्व लेप का है सच्चीवान सचिवान सच्ची ये द्वितीय व्यक्ति का है सच्चीवान ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है सचिव ये तो हमने सिद्धि कराई है आपको फिर करा देते हैं बीच बीच में बीच में छोड़ा बता रहे हैं सचिव शब्द है और ये शश है वर्ण से क्या हो जाए पुरुष वर्ण एक आदेश हो जाएगा तो सचिवास फिर तस्मात छो तस्मात छो नुंसी तस्मात्सो नशी से क्या है ये पुल्लिंग में शो क्या हो जाता न तो सचिवान बन जाता आहूय आंग पूर्वक वे ही, वे धातु से कत्वालप हो गया है और वे को क्या हो गया वच स्वप्य जाति नाम कि से संप्रसारण किति से संप्रसारण हो गया है तो वे को पहले तो वे को आधे चुपदेश स्थिति लगेगा हुआ बन जाएगा फिर उसको संप्रसारण होकर के उसको क्या बन जाएगा हुआ को उ तो हु बन जाएगा और संप्रसारण संप्रसारणच से पूर्व हो जाएगा ठीक है फिर उसको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा है? क्या हो जाएगा चौप्रसारण से दीर्घ हो जाएगा हाँ मैंने ये बताया यहां पर थोड़ा आहु में दूर दीर्घ उससे होता है संप्रसारण से है तो नहीं वो तो उत्तर पद के पर्यत करता है उसके आगे है हा। चौथे पाद में हला से दीर्घ होगा हो वास्तव में, ठीक है? प्रोवाच प्रवाच वच धातु का ये लिटलकार का है ठीक है क्या है लिटलकार का उवाच बनता है गीता में बहुत बार आया उवाच माने बोला कहा तो प्रवाच आगुण लग गया तो प्रोवाच बन गया ठीक है तो यहां तो पर क्या होता है वास्तव में ये यह वच धातु है और ये लिट लकार का आ जाता है लिट का तिप आता है यहां पर ठीक है तिप आता है तिप को क्या हो जाता है परसमय पदाना अणलातुष से क्या हो जाता है अणल हो जाता है इसको ये और लिटके इसको दुप्त हो जाता है वच वच और यहां पर छठवें धातु हैं तो इसलिए वहां पर एक सूत्र है कि जो वहां पर जो धातुएं हैं हमारी ठीक है ये आ लिट्टी भ्यास्यो ये। भयश्याम लिट्टी भ्यास लिट्टी भ्यास्यो भयश्याम तो वहां पर क्या लिटके परे रहते हैं इन वच धातु के अभ्यास को संप्रसारण होता है तो यहां पर इसको क्या हो जाए संप्रसारण होकर ऊ बन जाता है और इसको है तो से दीर्घ हो जाता है तो ये मिला करके क्या बन जाता ठीक है उवाच बन जाता है और फिर प्र के साथ में इसका संधि हो जाती है प्रवाच प्रोवाच आधगुना लग करके भो हो ठीक है भो हो ये तो संबोधन का ही है ज्ञातम यन मम एते पुत्र ठीक है ज्ञातम ज्ञा धातु का है कथ प्रत्यंत का जातम ठीक है जातम सामान्य भगवत भी भवत भी भवत शब्द का तृतीय व्यक्ति में बहुवचन का पुल्लिंग में भवत भी भवत भी है ठीक है आगे यह आ रहा है इसलिए विसर्ग नहीं होगा रही रहेगा यत है ये क्या है ये यत को क्या हो गया माँ आ रहा है इसलिए तो यरोनासिक अनुनासिकोवा से इसको क्या हो गया यर को अनुनासिक हो गया ना हो गया यरो वा से क्या हो गया यहाँ पर ना हो गया ऐसा भी बोल सकते हैं इसको यद ममा यद और यन ते विकल्प से होता है वा और मामा ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत का है अस्मद शब्द का एते प्रथमा व्यक्ति का पुलिंग में एत, एत तो यहाँ पर क्या मामा एते तो यहाँ वृद्धि वृद्धि से वृद्धि संधि हो गई है तो आई हो गया एते तो पुत्र ये बहु प्रथमा व्यक्ति बहुचान शास्त्र विमुखा ठीक है यहाँ पर क्या है ये विमुखा ऐसा विसर्ग था तो वही सूत्र लगेगा पहले तो इसका शास्त्रे भिमुखा शास्त्र विमुखा पंचमी तत्पुर समाज विमुख में मैंने ही दिया था आपको बौरी समाज है और यहाँ पर ये क्या है ये वास्तव में विसर्ग होगा ही नहीं यहाँ पर क्या है इसको रू को रू के रेफ को यह हो जाएगा भो भगो अगो अपूर्वशी योशी फिर यकार का हली सर्वे शाम से लोप हो जाएगा तो ये लोप हो गया यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है विवेक रहिताश्च तो विवेक विवेक रहता विवेक रहिता ये भी पंचमी तत्पुरुष समास हो गया ठीक है और बाय बाय फिर वही प्रक्रिया है ससयशोरू करवसानिय और विसर्जनिय विसर्जनिय ससह और स्टोष्टनश्च शेषतो करके रहिताश्च ये बन गया आइएगा तदा एतान पश्यता तद और एतान एतद का पुल्लिंग में तृतीय व्यक्ति का बहुवचन का है एतन ठीक है इसका भी क्या बनता है ये एतद है आपका और ये शत है आपका तदादी नाम से इसको क्या हो जाता है अ हो जाता है अतो गुण से पर होकर के एत और शस का अस प्रथम पुरुष से एतास और तस्मा छसो पुंसी से क्या हो गया स को न हो गया तो क्या हो गया एतान ये लघु सिद्धांत को हमने पढ़ाई दिया है आपको हमने एतान पश्यता हा। पश्यतु आ रहा है संधि है पहले संधि देख लिया पश्यता कहता तो मे आ रहा है हसी चसे इसको क्या हो गया है रू के रेप को उ हो गया हु? क्या हो गया उ ये वास्तव में शब्द कैसा था पहले ये ऐसा था पश्य तस षष्ठी का है ठीक है नस का ये अस है अब ये से क्या हो जाएगा इसको रू होगा रू का क्या बचेगा अब, अब यहाँ पर हसीचा हश के रहते यहाँ पर रू के रेप को क्या हो जाएगा आधगुना लग गया तो रो ओ हो गया ये क्या है क्षत्रि प्रत्यंत ध्यान देंगे धातु का ये क्या है क्षत्रि प्रत्यंत है ये ठीक है लटा शत्रु शान चा प्रथमा समानाधिकरण से क्या हो जाता है लटके स्थान में क्षत्रि प्रत्यय होता है तो क्षत्रि प्रत्यय फिर क्या हो जाता है इसको घ्रादमा स्थामना इत्यादि सूत्र से दृश्य को शीत प्रत्यय तो शब्द भी आता है बीच में तो शब का आवचता है ठीक है तो इसको पश्य आदेश हो जाता है क्या हो जाता है बोलो पश्य पश्य हो जाता पश्य ये पश्य ऐसा होता है ठीक है इसमें जुड़ जाता है और अतोग क्षत्री का जो अतवचता है तो वो पश्चात अतो गुण लग जाएगा तो क्या बन जाएगा पश्चात इस प्रकार से बनेगा ठीक है और फिर ये क्या षष्ठी व्यक्ति का यहाँ पर प्रत्यय आया है तब ये बिलाया पश्चात ऐसे बनाया पूरी प्रक्रिया बता दी मैंने आपको ठीक है आइए आगे मे मे क्या है ष्टी व्यक्ति एक वचनांत में और चतुर्थी व्यक्ति एक वचनांत में यह बनता है मामा और महियम के स्थान पर मैं का भी प्रयोग होता है ठीक है एक सूत्र है ते मया एक वचन पूरे महियम को और मम को विकल्प करके मे आदेश हो जाता है क्या हो जाता मे तो मे में मम का ही बन गया मे सष्टी का ही है और महद तो माता है, ये तो प्रथमा व्यक्ति नपुंसकलिंग में है अपी अभ्यपद है राज्यम तो महत राज्यम इसका विषय न अभ्यपद है सऊख्यम सौख्यम माने सुख ठीक है तो यहां पर सुख शब्द से क्या हो जाता है क्य प्रत्यय हो जाता है भाव में स्वार्थ में हो जाता वास्तव में ठीक है स्वार्थ में यहां पर क्या हो जाता है प्रत्यय हो जाता है। अध्याय के प्रथम पाद में गुणवचन ब्रह्मणाध्य च ठीक है यह आपको बता देता हूं मैं ये है गुण प्रचन ब्रह्मणा दिव्य कर्मणी च यहां पर क्या है शय प्रत्यय चल रहा है ऊपर से क्या चल रहा है शय प्रत्यय वहां पर एक वार्तिक दिया गया है क्या है वार्तिक से जहां जहां यहां क्या है सुख सुख और सौख्य का समान अर्थ है सुख से शय करके सौख्य बना दिया आदेश को वृद्धि हो जाएगी शय तो या तदितेश वृद्धि हो जाएगी तो सौख्य बना दिया है और कुछ भी नहीं है अर्थ समान है इसलिए स्वार्थ में यहाँ पर शय प्रत्यय है आवाहती सुख नहीं दे रहा है देना आवाहती में ला रहा है देना है आंग पूर्व वहा धातु का लटलकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का सामान्य ठीक है अथवा ये अभ्य है साधु इदम साधु है और मान साधु मन माने ठीक ही नपुंसक लिंग का उच्चते साधु उच्चते ठीक ही का उच्चतेम बाच्य में वच धातु काम बाच्य में लटलकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का वच है आपका और ये आत्मनिपद का बाच्य में तो कर्मणों से आत्मनिपद हो गया फिर सार्वधातु के यक से यहाँ पर क्या हो गया यक हो गया के कितनी से क्या हो जाएगा तो संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण होकर ऊ हो जाएगा ते ऐसा बनेगा ठीक है तो ये तो मैंने आपको इसका मोटा मोटा व्याकरण बताया है ठीक है जितना आपको अभी चाहिए इतना आप कर लेते हैं तो बहुत कुछ कर लेते हैं नहीं? बहुत कुछ धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा इस ग्रंथ को पढ़ना आपका सार्थक हो जाए ठीक है चलिएगा तो अब आगे की कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है ठीक है क्या कहा गया ठीक ही कहा गया है भाई आजात मृत मूर्खे भो मृत आजात सुत यत स्वल्प जीवम जडो दहे एकदम समाज की जो स्थिति समाज में जो घटना चक्र चलता है हम किसी उस प्रकार से सोचते हैं वो बताया है वरम जाता प्रेतो वरमी कन्याइव जनिता वरम वंध्या भारिया वरम अभी वसतिर् विद्वान, रूप तो सुंदर का है। या सूते न चा विद्वान्द्रविण गुणयुक्त ननय बहु सुंदरकाय चिंतया क्रीय तेन्वा यूतेन दुग्धदा को न, न भक्तिमान वरमिह वरमी वास्तमूर्ख प्रसूत ये नीबुध जन मध्ये जारज इव लज्जते मनुज गुण गण न पतति कठिनी सुसंभ्रमाद्यनाबा सुतिनी वद वंध्या कीदृशी भवती बहुत मजेदार श्लोक है बहुत जानवर्धक ठीक <laughs> है आइएगा शिक्षा प्रद श्लोक चलिएगा आगे की क्रम कक्षा में पढ़ते हैं अब आगे की कक्षा तो सभी के लिए ये पहली कक्षा के बाद में दो कक्षाएं व्याकरण की हो गई है तो ये व्याकरण के पाठकों के लिए विशेष है बाकी की फिर जो सभी के लिए अब हमने लिख रहे हैं देखिए सब कक्षाओं पर जो व्याकरण की उस पर व्याकरण लिख रहे हैं पहले आप समझ जाएंगे आराम से और जिस पर नहीं लिख रहे हैं तो समझिएगा वो अपने आप इसी श्लोक और गद्य की है कहिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा सर्वेभ्यो नमः